चलिए तो एक मिनट का समय दें आप मुझे हाँ जी नमस्कार आदाब सत राम राम राधे राधे तो उम्मीद है आपको आवाज आ चुकी होगी बच्चा कोई भी किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी चलिए तो बच्चा इधर से सब कुछ क्लियर है बच्चा सभी को राम राम राधे राधे राधेकाल जय हिंद बालकुम सलाम आप सभी लोगों का आपके परिवार गौतम क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत है मेरे प्यारे साथियों सभी लोग जुड़ जाएंगे एक बार और वीडियो को कर देंगे लाइक और शेयर एक बार वीडियो को कर देंगे लाइक और शेयर और जोड़ लेंगे उन सभी प्यारे साथियों को बच्चा जो कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी बच्चा जल्दी से जोड़ लेंगे उन सभी प्यारे साथियों को जो कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी एक बार जल्दी से जल्दी से जल्दी से मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जुड़ जाएंगे जुड़ जाएंगे जल्दी से मेरे प्यारे साथियों सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दो वेरी गुड बहुत अच्छे बच्चा वीडियो को एक बार सभी मेरे प्यारे साथी वीडियो को एक बार सभी लाइक कर दें शेयर कर दें और जोड़ लें उन सभी प्यारे साथियों को जो कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी एक बार अपन मेरे भाई शुरू कर लेते हैं आज की क्लास आज की क्लास शुरू कर लेते हैं बहुत जल्द आपके सामने आज की क्लास होगी है ना चलिए तो जल्दी से जोड़ ले तो जब तक मैं आपके कमेंट ले लेता हूं मेरे भाई कैसे हो गुरुजी मैं भाई बहुत अच्छा हूं देव सोनी आ चुके हैं वेरी गुड भाई मनीषा गर्दम आ चुकी हैं शिवानी शर्मा आ चुकी हैं वेरी गुड भाई बहुत अच्छे सभी लोग एक बार जुड़ जाए और वीडियो को कर दे लाइक और शेयर चलिए तो भैया एक बार शुरू कर लेते हैं आज की क्लास आज की क्लास शुरू कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल बिल्कुल चलिए तो भैया एक बार शुरू कर लेते हैं आज की क्लास आज की क्लास को कर लेते हैं शुरू चलिए तो भैया हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी चालू हो जाओ जरा चलिए तो भैया जी शुरू हो जाओ जल्दी से फटाफट कुछ समय आप दे बस एक बार शुरू कर लेते हैं भाई एक बार क्लास को शुरू कर लेते हैं क्लास को कर लेते हैं शुरू बिना किसी देरी के बिना किसी देरी के क्लास को कर लिया जाता है भैया शुरू चलिए तो चलिए भाई साहब खुल जाओ जल्दी से अरे खुल जा खुल जा सिम सिम हाँ जी clear all बच्चा कुछ टाइम देंगे आप एक मिनट का टाइम दें बस आपकी क्लास शुरू कर रहे हैं अपन बस एक मिनट का टाइम दे दें थोड़ा सा है ना कुछ टेक्निकल इशू रहे जिसकी वजह से आपका जो बोर्ड था तब तक राम राम भाई भूपेंद्र राम राम सभी को राम राम आ, चलिए तो भैया कोई दिक्कत नहीं भाई बस आपकी क्लास अब आप कुछ चंद समय में आपके सामने होगी चलिए तो हाँ 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 चलिए भाई क्लियर सेक्शन ओके ओके चलिए तो भैया ना क्लास क्लास को शुरू कर लिया जाता है क्लास को कर लिया जाता है भैया शुरू मोड टीचिंग चलिए तो हाजी चलिए तो भाई साहब आज की क्लास शुरू कर लेते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मुझे जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे शादी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बताएं मेरे प्यारे शादी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है हेलो खुशी अरे वाह बच्चा कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं जैसा कि आप अभी देख रहे थे ना कभी कभी कुछ चीजें हो जाती है भाई साहब बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है ना अपने को चलिए तो भैया जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों हो आंसर क्या रहेगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से मुझे बताओ ऐसा कौन सा महान प्राणी है ऐसी कौन सी महान शख्सियत है आंसर 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 सबसे पहले दांसी का का आया आया ए कर्दम का ए मनीषा मनीष उपाध्याय का आया है ए भूपेंद्र का ए आया है जीतू का आया है ए आ, सुमित का आया है ओसलो मनीष उपाध्याय ओसलो वेरी गुड बच्चा बहुत अच्छे बहुत अच्छे देखिए मेरे भाई आपको दे रखा है जिस प्रकार जिस प्रकार भैया क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे क्वेश्चन में बोला है मेरे प्यारे साथियों देवी और सज्जनों क्या बोला है क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं सर उस शब्द का चयन करें जो तीसरे सबसे वही सम रखता है जो दूसरा शब्द पहले सबसे रखता है तो जाहिर सी बात है भैया ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रिलेशन वो है क्या क्या रिलेशन है वो वो सर रिलेशन है क्या तो आप बोलेंगे सर उस शब्द का चयन करना है भैया शब्द का चयन करना है किसका शब्द का चयन करना है यानी कि उस शब्द का चयन करना है जो कि भैया किससे संबंधित है सर तीसरे शब्द से है संबंधित उसी तरीके से हमें बताना है तो आप बोलेंगे सर यहां क्या दे रखा है यहां दे रखा था कैन्या कन्या का संबंध बताया नैरोबी से उसी तरीके से पूछा नॉर्वे नॉर्वे का संबंध किससे होगा तो आप क्या बोल सकते हैं कैन्या की राजधानी है नैरोबी तो उसी तरीके से नॉर्वे की राजधानी अगर आप बोले तो किसकी होगी आप बोल सकते हैं नॉर्वे की राजधानी होगी ओसलो ऑसलो 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 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर ऑसलो बत्तीस 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 चौंतीस तीन एक सौ छह पांच सौ तीस जिसका आंसर क्या है सर जी अबे बच्चा मैं बिल्कुल बता दूंगा परेशान नो बच्चा अबे बिल्कुल बता दिया जाएगा तेरा क्वेश्चन बिल्कुल बता दिया जाएगा तो भाई साहब उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका है भैया ये रिलेशन क्या था रिलेशन क्या था रिलेशन ये था रिलेशन ये था कि नॉर्वे साथ साथ है है की राजधानी तो कौन सी है ओस्लो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चा लालू यादव भी आ चुके हैं बहुत अच्छे बच्चा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे शादी मुझे जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई राम राम सभी को राम राम राधे राधेकाल जय हिंद बालकुम सलाम बच्चा जल्दी से मुझे बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर ये जो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से मुझे बता दो मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या रहेगा दूसरे प्रश्न का आंसर क्या क्या होगा क्या होगा इस दूसरे प्रश्न का आंसर और जिन सभी प्यारे साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया एक बार बच्चा जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दें और जोड़ लें उन सभी प्यारे साथियों को जो कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी एमआर सुमित का आया एमआर आर मिथिलेश का आया सी सर बिल्कुल भाई साहब लालू यादव का सी आया मनीष उपाध्याय का सी अमित का सी आया सुमित का सी आया है लालू यादव सी ए के जाट एम आर आया मनीष उपाध्याय का एम आर आया शिवानी का एम आर है दान सिंह सी है भूपेंद्र का भी सी है विनोद का भी सी है वेरी गुड सोनू का भी सी आ चुका है वेरी गुड बच्चा मनीषा करदम का भी सी आ चुका है वेरी गुड भाई इसी तरीके से सभी लोग अपना अपना आंसर सही कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं सर लॉजिक है क्या तो सर आप बोलेंगे सर जो हमें जो हमें सर रिलेशन दिखा रखा है डी और एफ से जी और आ, जे के बीच वही रिलेशन सर जी और जे से किसके बीच है जे और एन के बीच तो उसी तरीके से हमें बताना है कि भैया जे और एन से जस्ट आगे वाला जो आएगा वो क्या आएगा तो आप बोलेंगे सर रिलेशन है क्या एक बार सीरीज का है भैया ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन है सीरीज का और याद रहे पी क्यू क्वेश्चन है जो आए हुए हैं और गत वर्ष में पूछे गए ये वो क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं यानी कि एक से अधिक बार दो दो तीन तीन बार भैया एग्जाम में पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको करा रहा हूं इस क्लास के अंदर है ना क्योंकि इनके आने की बार बार पॉसिबिलिटी रहती है भैया इन इस वजह से इन क्वेश्चनों को कराया गया है सर डी एफ जी जे आगे रखा है जे एन लिख लीजिए जरा क्या क्या दे रखा था अब बोलेंगे सर डी एफ दे रखा था आगे दे रखा था जी जे और जस्ट आगे क्या दे रखा था बच्चा जे एन दे रखा था तो पूछा था जस्ट आगे क्या आएगा तो आप बोलेंगे सर लॉजिक क्या है वो लॉजिक क्या है बच्चा तो सीरीज का है वो भी अल्फाबेटिकल सीरीज से सर क्वेश्चन है डी से हुआ है जी डी से जी होने का मतलब सर प्लस थ्री हो गया जी से हुआ जे यानी कि सर प्लस थ्री हो गया आगे भी बच्चा क्या होगा प्लस थ्री होगा जे में जब प्लस थ्री करेंगे तो क्या होगा सर यहाँ एम आएगा आगे एफ से हुआ जे एफ से जे होने का मतलब प्लस फोर हुआ और जे

तबाह करके जिंदगी तबाह करके जिंदगी लड़कियों के पीछे फिर बोलते हैं मौलवी साहब दुआ करो बेरोजगार बैठे हैं वाह मेरे प्यारे साथी वाह बहुत अच्छे बच्चा बहुत अच्छे बहुत अच्छा लिखा है भाई सोनू ने बहुत अच्छा लिखा है बच्चा जल्दी से मुझे बताओ आंसर बताया ऑप्शन डी धन सिंह का आंसर आया ऑप्शन डी जीतू का आया है आंसर ए लालू यादव का आंसर ए आया है बच्चा लालू यादव सिक्सटी नाइन वेरी गुड बच्चा बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे चलिए तो एक बार देख लेते हैं शिवानी शर्मा का आ चुका है सिक्सटी नाइन सुमित का आ चुका है सिक्सटी नाइन बच्चा लॉजिक है क्या नंबर सीरीज का क्वेश्चन है सर लॉजिक क्या है तो आपको देखा सर पंद्रह कोमा सत्ताइस कोमा पैंतालीस कोमा क्वेश्चन मार्क बच्चा ये दिया गया था आपको अरे बोलो हाँ या ना आप बोलेंगे सर बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल गुरु जी आ, बढ़िया भाई बढ़िया बहुत अच्छे भाई चलिए तो पंद्रह से हुआ सत्ताइस पंद्रह से सत्ताईस का मतलब बच्चा क्या हुआ आप बोलेंगे सर पंद्रह से सत्ताइस यानी प्लस बारह हो गया एक चीज सुन ले भाई

अगर कोई सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है एडिशनल सीरीज होगी यानी कि जोड़ श्रृंखला होगी अगर एक साथ भैया एक पद से अगला पद डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए तो भैया उसमें कौन सी सीरीज होगी आप बोल सकते हैं सर गुणा श्रृंखला रहेगा अगर एक साथ सीरीज अगर एक साथ सीरीज अगर बात करें भैया सीरीज बहुत कम हो जाए तो भाग श्रृंखला होगी और धीरे धीरे कम होगी तो घटाव श्रृंखला होगी तो उसी हिसाब से आप बोलेंगे पंद्रह से सत्ताइस हुआ थोड़ा सा बड़ा सत्ताइस से पैतालीस हुआ फिर थोड़ा सा बड़ा तो जाहिर सी बात है एडिशनल सीरीज है जोड़ श्रृंखला है सत्ताईस से बच्चा पैंतालीस हुआ यानी सत्ताईस से पैंतालीस का मतलब कितना हो जाता है सर यहां बारह था और सत्ताईस से पैंतालीस मतलब कितना हो गया भाई यहां आप बोलेंगे सर अट्ठारह हो गया कितना जोड़ा गया सर अट्ठारह जोड़ा गया राधे राधे भाई राधे राधे बच्चा पहले बारह जोड़ा गया था और फिर अठारह जोड़ा गया यानी कितना है सर अंतर सर जोड़ का भी अंतर है छह का यानी कि जोड़ का अंतर कितने का छह का तो बच्चा आगे भी जोड़ में अंतर कितने का आएगा छह का ही आएगा तो भैया अठारह में छह का अंतर करोगे यानी छह बढ़ेगा तो अठारह और छह कितना हो जाएगा चौबीस और बच्चा पैंतालीस में अगर चौबीस जोड़ेंगे तो चार और पांच नौ हो गया छह हो जाएगा चार और दो तो आंसर क्या जाएगा सिक्सटी नाइन ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर बच्चा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा ए फॉर एप्पल ए बिल्कुल राइट right आंसर होगा इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चलिए तो बच्चा बढ़ जाते हैं अगले प्यारे से क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है भैया बड़ा जबरदस्त डिक्शनरी का क्वेश्चन है आपका सर डिक्शनरी चैप्टर से उठाया गया है क्वेश्चन प्रणाम भैया जी को प्रणाम नया थम्मेल अरे 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 बस भैया आपका आशीर्वाद है आपका प्यार है उस सब की वजह से ये सब चीजें पॉसिबल हैं आगे भी इसी तरीके से आपका प्यार बना रहेगा उम्मीद करूंगा मैं आपसे है ना आप आए आपने इस मंच की अपने मंच की भैया शोभा बढ़ाई बहुत बहुत दीदार आपका चलिए तो भैया जल्दी से मुझे बताए इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वेरी गुड भाई बहुत अच्छे भाई सभी को राम राम राधे राधे शशकाल जय हिंद बालकुम सलाम मेरे प्यारे साथियों आंसर मुझे बता दो जल्दी से आंसर क्या रहने वाला है आंसर क्या होगा बच्चा लोग इसका आंसर क्या होगा प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर क्वेश्चन में आपसे बोला है सर ऐसे कितने नंबर ऑफ है वेरी गुड बच्चा हरिओम का आंसर आ चुका है ऑप्शन ए यानी ऐसे कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट एल्फाबेटे भैया जिनमें जितना अंतर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है उतना ही दिए गए शब्दकोश में है यानी कि ये सिंपल लैंग्वेज है बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके सामने है वेरी गुड भाई मिथिलेश का आंसर दो आ गया है शिवानी का दो आ गया सुमित का दो आ चुका है भूपेंद्र का दो आ चुका है वेरी गुड बच्चा बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे चलिए तो एक बार देख लेते हैं भैया जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो करते क्या है सर कुछ नहीं करना इनका जो मेरे भाई ये जो डिक्शनरी दे रखी है इस डिक्शनरी में इनका जो सीक्वेंस है सर अल्फाबेट का जो सीक्वेंस है उसको लिख लो ऊपर एस की बात करें सर पहला अल्फाबेट है यू की बात करें दूसरा है एन की बात करें इसकी बात करें बच्चा एन की अगर हम बात करें तो एन तीसरा है डी की बात करें सर चौथा है आगे ई e यहां दे रखा है पांचवा आर दे रखा है सर कौन सा छठवा बी की बात करें सात की बात करें आठ और एन की बात करें तो सर ये दे रखा है नो अरे बोलो हाँ या ना सर ये कौन सा क्रम है सर ये जो हमारा क्रम है ये कौन सा क्रम है भैया तो ये क्रम है हमारा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी यानी जो हमें दिया गया शब्द को उसके अनुसार लेकिन एक्चुअल में मेरे भाई एक्चुअल में अगर मैं बात करूं यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तो एस होता है उन्नीसवा अल्फाबेट यू होता है बच्चा इक्कीसवा और एन होता है चौदहवा डी होता है चौथा ई होता है पांचवा और आर होता है अठारह बी होता है दूसरा ए होता है पहला एन होता है चौदह तो बच्चा करना क्या है सर हमें वो अल्फाबेट बताने हैं वो अल्फाबेट बताने सर वो अल्फाबेट हमें बताने है सर जिनका जिनका जो स्थानीय मान अंग्रेजी वर्णमाला में है वही स्थानीय मान कहा है सर इस डिक्शनरी में है तो आप बोलेंगे सर एक तो डी है क्योंकि डी का भैया यहां पर भी चार है और अंग्रेजी वर्णमाला में चौथा होता है एक ई है ई का सर यहां पर भी पांच है और वहां पर भी पांच होता है तो नंबर ऑफ एल्फाबेट कितने हो गए भैया दो तो यही आपसे पूछा था आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर बच्चा ऑप्शन ए बिल बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ए फॉर एप्पल चलिए तो बढ़िया बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मुझे जल्दी से से बताएंगे इस प्यारे क्वेश्चन क्वेश्चन का का आंसर क्या होगा सर मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये आपका गरतिया संक्रिया गरतिया संक्रिया ये चैप्टर है आपका उस चैप्टर से उठाया गया है और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं भैया ये जो क्वेश्चंस आज की क्लास में आप देख रहे हैं ये वो क्वेश्चन है सर ये वो क्वेश्चन है मेरे भाई याद रहे आपको जिन्हें कि आप बार 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 एग्जाम के अंदर देख रहे होते हैं ना चलिए तो जल्दी से मुझे बताएं आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा भैया जल्दी से मुझे बताएं बिल्कुल भाई बिल्कुल 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 वेरी गुड बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे चलिए तो भैया आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में क्या बोला है सर तो ए को डिफाइन किया है प्लस के साथ आगे बी को डिफाइन किया बच्चा माइनस के साथ सर सी को डिफाइन किया गया किसके साथ डिवाइड के साथ सी को डिफाइन किया गया किसके साथ डिवाइड के साथ और डी को डिफाइन किया है बच्चा किसके साथ क्रॉस के साथ, के साथ? साथ यानी गुड़ा के साथ तो आपसे पूछा भाई राम राम रवि राम रही, राम बच्चा राम रही, राम, रही, राम, रही, राम, रही, राम रही रही. तो सर उसी तरीके से आपसे पूछा है कि बताइए भैया अभिव्यक्ति का मान क्या होगा अभिव्यक्ति का जो मान होगा वो क्या होगा अब ध्यान से सुनो और समझो बच्चा करेंगे क्या सर रिप्लेस कर देंगे जो हमें अभिव्यक्ति जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसको रिप्लेस कर लेंगे किसके अनुसार सर ये जो सिंबल दे रखे हैं इनको इनके अनुसार कर लेंगे तो रखेंगे सर सबसे पहले पच्चीस 25 के बाद क्या दे रखा था सी और सी का मतलब क्या है बच्चा डिवाइड सी का मतलब अभी अभी समझा आपने क्या है सर डिवाइड आगे सर पांच दे रखा है तो पांच लिखा आगे दे रखा है सर बी बिफोर बॉम्बे बी का मतलब क्या है सर माइनस बी का मतलब है सर माइनस और माइनस कितना होगा बच्चा माइनस हो जाएगा सर थर्टी फाइव आगे सर ए ए का मतलब क्या दे रखा है उसने सर ए का मतलब दे रखा है जोड़ अरे बोलो हाँ या ना आप बोलेंगे बिल्कुल आगे सर पंद्रह पंद्रह आ जाएगा आप बोलेंगे सर डी डी का मतलब क्या दे रखा था गुणा डी का मतलब क्या था बच्चा डी का मतलब दे रखा था सर गुणा डी का मतलब था क्या बच्चा गुणा था गुणा तो आपने लिख दिया सर डी का मतलब गुणा यानी गुणा में कितना हो जाएगा बच्चा चार हो जाएगा अब सर इसको इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे होंगे रिप्लेस रिप्लेस करने करने के के बाद बाद जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने के बाद मेरे भाई क्या आ जाएगा अरे जल्दी से बोलो क्या आ जाएगा आप बोलेंगे सर 25 में सबसे पहले पांच से भाग देंगे तो 25 में पांच से भाग देने का मतलब ये पांच हो गया पांच माइनस पैंतीस प्लस में पंद्रह गुड़ा चार तो पंद्रह गुड़ा चार का मतलब हो गया साठ साठ और पांच पैंसठ पैंसठ से बच्चा से कितना 35 जाएगा तो कितना बी बिल्कुल, करेक्ट आंसर हो जाएगा. का, कपिल शर्मा रोम रोम भाई, रोम रोम भाई, रोम रोम सभी को राम राम राधे राधे शशकाल जय हिंद बालकुम सलाम मेरे प्यारे साथियों चलिए तो जल्दी से मुझे बताओ अगले प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्या होने वाला है इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मुझे बताएंगे सर आंसर क्या होगा सर डिक्शनरी का है यह भी क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि ये जो डिक्शनरी का भैया आपको ये जो डिक्शनरी दे रखी है ये जो डिक्शनरी दे रखी है मेरे भाई इस डिक्शनरी में जो नंबर ऑफ अल्फाबेट दे रखे हैं इन अल्फाबेटों को लेने के साथ ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा सर ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या होगा वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों आप सभी से अनुरोध है आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो मेरे प्यारे साथी अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए है एक बार बच्चा जल्दी से सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर देंगे और जोड़ लेंगे उन सभी प्यारे साथियों को जो कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी बच्चा अब है मैंने तेरी कमेंट ले ली थी क्लास के शुरुआत में ही ले ली थी मैंने तेरी कमेंट मैं तेरे से एक ही बात बोलूंगा मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि बच्चा तेरा जो क्वेश्चन है वो ले लिया गया है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा ना अभी जो क्वेश्चंस हैं इन पे फोकस करो बच्चा है ना अभी जो क्वेश्चंस हैं आपके इन पे फोकस करें जल्दी से मुझे बताएं आंसर क्या होगा वेरी गुड भाई ऑप्शन बी 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 अब कुछ लोगों ने आंसर सी भी दिया उनके आंसर बदलना शुरू हो गए शिवानी का पहले सी था अब बी आ चुका है राहुल राज का बी आया मिथिलेश का बी आया मनीष उपाध्याय का बी आया है वेरी गुड बच्चा वेरी गुड वेरी गुड भाई जल्दी से देखो आपको सर बोल रखा है कि ऐसा कौन सा सर हमारा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता नहीं बनाया जा सकता क्वेश्चन में भैया घुमा फिरा के देगा अपन क्या करेंगे जल्दबाजी में इसको क्या पढ़ लेंगे कि सर कौन सा बनाया जा सकता है कौन सा बनाया जा सकता है लेकिन बच्चा ये नहीं है ये है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता जाहिर सी बात है ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता क्यों नहीं बनाया जा सकता इसका रीजन क्या है इसका रीजन ये है कि भैया यहां एल अगर बात करें तो एल कितने बार दे रखी है यहां सर दो बार लेकिन एक्चुअल में डिक्शनरी में कितने बार है सर एक बार तो बच्चा एक अल्फाबेट एक बार ही रखना है इस वजह से इस वजह से मेरे प्यारे साथियों जो ऑप्शन बी है नहीं बनाया जा सकता बाकी के सभी बनाए जा सकते हैं ए बनाया जा सकता सी बनाया जा सकता डी बनाया जा सकता लेकिन ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता बात क्लियर है यस सर बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल समझ आ चुका है आप सभी के चलिए तो भैया बढ़ जाते हैं अगले प्यारे से क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है ऑड वन आउट का क्वेश्चन है सर ऑड वन आउट का नहीं एनालॉगी का क्वेश्चन है जल्दी से मुझे बताएं इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वेरी गुड भाई बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई, बिल्कुल। भाई सभी लोग अपना अपना आंसर सही कर रहे हैं वेरी गुड बच्चा इसी तरीके से सभी आंसर करते रहे हमारे दर्द हुई गवा सर जी आ, क्या कह रहे हैं आप चलिए भैया जो भी आप कह रहे हैं मैं आप नहीं, आपकी बात को समझ नहीं पा रहा बाकी अभी मुझे बताए आंसर क्या होगा जितें कुमार ठेनुआ राम 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 बच्चा सर आप कब से क्लास चालू कर रहे हैं जीके की बच्चा शुरू होगी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी है ना बहुत जल्द शुरू हो जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मेरे भाई जिन्होंने अभी तक क्लास क्लास के साथ साथ अपने परिवार मेरे भाई गौतम क्लासेज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि मेरे भाई आगे जितनी भी क्लासेस हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए वेरी गुड बच्चा आंसर का का आया 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 ए है है इसके साथ साथ दान uh, सिंह डी विनोद का ए आया है मनीष उपाध्याय का ए आया है जितेंद्र कुमार भाई राम राम, भाई, राम राम, मेरे भाई राम राम जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या होगा सर देखें सुने और समझे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा ऑप्शन ए ए फॉर एप्पल क्यों क्योंकि सर आपसे क्या बोला कम खर्च

चलिए तो बच्चा बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन ऑड वन आउट का है यानी कि ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है जल्दी से मुझे बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अन्य तीन भिन्न शब्द कौन सा भिन्न है यानी कि आपको बताना है सर आपको बताना है वो शब्द आपको सर वो शब्द बताना है जो कि अन्य तीन से अलग है अन्य तीन से अलग है सर पहला ऑप्शन दे रखा है वाहिनी दूसरा दे रखा है मार्ग तीसरा दे रखा है नाली और चौथा दे रखा है बहाव मथुरा नहीं आ रहे हैं गुरु जी बच्चा आऊंगा मैं किसी दिन जब मैं फ्री रहूंगा तो मैं पक्का आऊंगा और उस दिन बराबर लाइव क्लास के अंदर आपको बता दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा तो सर इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा भैया ऑप्शन डी दुबई डी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चा इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिनका आंसर सी बी या ए आया है उनका आंसर गलत है इसका जो आंसर होगा बच्चा वो डी होगा डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा क्यों होगा क्योंकि सर पहले देखें क्या बोला वाहिनी यानी नलिका अगर बात करें दूसरा क्या दे रखा है मार्ग और मार्ग दे रखा है और तीसरा दे रखा है नाली और चौथा दे रखा है बहाव यानी कि आप बोल सकते हैं सर बिल्कुल बिल्कुल समझा रहे हैं बिल्कुल समझा रहे हैं सुन ले क्यों होगा डी क्यों होगा अब ध्यान से सुनो भाई साहब ये जो है ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं सर एक मार्ग है या तो आप ये कह सकते हैं सर पानी पानी जहां से चलता है भाई नलिका में होके चल रहा होता है या मार्ग से होके चल रहा होता है पानी या नाली से होके चल रहा होता है लेकिन डी में क्या बोला है बहाव यानी कि उसके स्पीड की बात कर रहा है तो भैया इन सब में सबसे जो अलग है वो है डी डी फॉर दुबई डी बिल्कुल राइट आंसर है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका है ना यानी कि ये उसकी स्पीड को दर्शा रहा है और वो उनके कहीं कही ना कहीं किसको दर्शा रहा है माध्यम को दर्शा रहा है माध्यम को दर्शा रहा है मार्ग 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 नहीं होगा नहीं होगा मार्ग माध्यम नहीं होगा क्योंकि मार्ग में भी होके पानी निकल रहा होता है इसके साथ साथ वाहिनी नलिका में होके भी निकल रहा होता है और इसके साथ साथ नाली में होके भी निकल रहा होता है लेकिन वहां क्या है डी में दे रखा है बहाव डी में क्या दे रखा है बहाव दे रखा है ना चलिए तो कोई नहीं प्यारे <laughs> चलो तो हाँ जी हाँ जी चलिए तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन जल्दी से मुझे बताओ चलो तो इसका आंसर मुझे बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा चलो तो अगर बात ऐसी है तो जरा इसका भी मुझे बता दो आंसर क्या होगा जिस प्रकार ग्राम का संबंध ग्राम पंचायत से है उसी प्रकार मेट्रो शहर का संबंध किससे होगा जल्दी से बताओ राम राम भाई राम राम सभी को मेट्रो मेट्रो शहर का संबंध किससे होगा जल्दी से बताओ मनीष उपाध्याय ने आंसर दिया ऑप्शन ए यानी नगर निगम बता रहा है मनीष उपाध्याय बता रहा है नगर नियम बच्चा जल्दी से मुझे बताओ आंसर जीतू का आया ऑप्शन ए आ, बिल्कुल भाई दान सिंह का आया ऑप्शन ए अरुण सर कब से क्लास शुरू कर रहे हैं बच्चा अरुण सर की क्लास शुरू हो चुकी है आप शायद आप तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है हाँ जी भूपेंद्र राजपूत का ए आया है जयवीर का ए आया है सुमित का ए आया है शिवानी का यह आया है मिथिलेश का ए आया पंडित जी का ए आया कपिल का ए आया है चलिए तो भैया मनीष कोहली का आंसर ए आया है वेरी गुड भाई ध्यान से सुनो और समझो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा क्यों क्योंकि भैया गांव ग्राम पंचायत में आते हैं उसी तरीके से आप बोल सकते हैं भैया मेट्रो शहर किसमें नगर निगम में आया करता है नगर निगम तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए बिल बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चलिए तो बच्चा बढ़ जाते हैं अगले प्यारे से क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया जल्दी से मुझे बताएंगे एनालॉगी का क्वेश्चन है सर एनालॉगी का क्वेश्चन है जल्दी से मुझे बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा का क्वेश्चन है बच्चा जल्दी से मुझे बताओ जिस प्रकार 34 का रिलेशन किसके साथ बताया सर जिस प्रकार 34 का रिलेशन बताया है भैया किसके साथ साथ 12 के साथ उसी तरीके से पूछा 29 का रिलेशन किसके साथ होगा ऑप्शन ए राहुल राज का आंसर बिल्कुल सबसे पहले और सबसे सही आया बिल्कुल वेरी गुड बच्चा भूपेंद्र का भी आंसर सही आ चुका है वेरी गुड भाई बहुत अच्छे बच्चा बहुत अच्छे वेरी गुड मनीष कोहली का आंसर गलत है बच्चा डी गलत होगा सत्रह नहीं होगा बच्चा इसका जितेंद्र कुमार होगा करेक्ट आंसर होगा ट्वेल्व पॉसिबल कैसे है अगर थ्री का मल्टीप्लाई में फोर के साथ कर दूं तो क्या आ जाएगा ट्वेल्व तो उसी तरीके से पूछा था टू नाइन बाई टू का नाइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा वन एट यानी अठारह ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर यानी कि आप क्या कह सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो हमें टर्म दे रखा था या ये जो हमें संख्या दे रखी थी इन संख्याओं के सर जो डिजिट हैं उन डिजिटों में भैया आपस में क्या कर दिया गुणा कर दिया गया डिजिट का आपस में गुणा कर दिया गया उस गुणा का उस गुणा का भैया जो हमारा रिजल्ट आया उस रिजल्ट को आगे रख दिया गया है उसी तरीके से आपसे पूछा था उन्तीस का 29 का पूछा था तो बच्चा दो गुणानो यानी अठारह हो जाएगा उम्मीद है यह बात बहुत बेहतर तरीके से आपके समझ आ चुकी होगी चलिए तो बच्चा बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर क्या होगा ऑड वन आउट का क्वेश्चन है सर ऑड वन आउट का क्वेश्चन है जल्दी से मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों आंसर हैुरु जी गौतम सर की क्लास नहीं देख रहे भाई सर मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं बाकी चलिए कोई दिक्कत नहीं आपसे मैं चर्चा पर चर्चा करूंगा अभी क्लास के जस्ट तुरंत बाद जस्ट में क्लास के तुरंत बाद आपसे चर्चा पर चर्चा करूंगा आंसर डी ऑप्शन डी 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 वेरी गुड बिल्कुल भाई दिल्ली पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सर बच्चा पंडित जी अगर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये अब तक ये वो क्वेश्चन उठाए गए हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं यानी कि दिल्ली पुलिस में तो आए आए हैं इसके साथ साथ एस एस सी सी सीजीएल इसके साथ साथ एम यानी कि हर एग्जाम में पूछे गए बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब सभी का आंसर सही आया ऑप्शन डी क्यों होगा ऑप्शन डी क्योंकि ये स्वयं के द्वारा की गई प्रतिक्रियाएं हैं बाकी ये किसी दूसरे के द्वारा यानी धकेलना तो भैया आप आप किसी किसी को 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 धकेल धकेल रहे रहे होंगे है ना आप क्या करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आते हैं आया जी। चलो तो सुने और समझे भैया ध्यान से सुने और समझे कहने का मतलब ये स्वयं के द्वारा की गई या स्वयं के फोर्स पर की गई प्रतिक्रिया है बाकी धकेलने की अगर बात करें तो धकेलना यानी कि एक व्यक्ति या एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल को मेरे भाई क्या करेगा कहीं ना कहीं धक्का देगा तभी तो भाई आप बोल सकते हैं कि वो धकेल रहा है उसको है ना फोर्स लग रहा होगा एक आर्टिकल का दूसरे आर्टिकल पर भैया फोर्स लगता है लेकिन यहां सर एक ही आर्टिकल है उसके फोर्स की बात हो रही है चलिए तो बच्चा भर जाते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सर जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर क्या होगा शिल्पी कुमारी गुड इवनिंग भैया राधे राधे राम राम शशकाल हिंद बालकुम सलाम जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या होगा वेरी गुड भाई बहुत अच्छे बच्चा बहुत अच्छे बहुत अच्छे भैया बहुत अच्छे जल्दी से मुझे बताओ ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ऑप्शन डी डी बताया डी डी फॉर दुबई मनीष उपाध्याय लालू यादव सुमित अरुण शिवानी वेरी गुड बच्चा वेरी गुड बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे देखो बच्चा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्यों क्योंकि नाक कान गला सॉरी नाक कान नेत्र की बात करें तो जस्ट ये उससे ऊपर वाले यानी कि आप बोल सकते हैं मुंह पर आने वाले ऑर्गन है बाकी अगर बात करें गला जस्ट मुंह से नीचे तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बाकी बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं इसके तो आंसर जो इसका बिल्कुल करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर राम राम मैम राम राम चलिए तो भैया बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जरा देखते हैं सर ऐसा कौन सा महान भाव है ऐसी कौन सी ऐसी कौन सी महान हस्ती है जो भैया बताएगा इसका आंसर हां भाई ये भी हो सकता है आप बिल्कुल कह रहे हैं ये सेंस ऑर्गन होते हैं बाकी का जो गला है गला बिल्कुल ये भी आपका लॉजिक सही है मनीष उपाध्याय मैंने पहले ही बता दिया बच्चा इसके लॉजिक काफी हो सकते हैं ना जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा आंसर क्या रहेगा इस प्यारे से क्वेश्चन का जिस प्रकार जिस प्रकार सर इस शब्दकोश को इस शब्दकोश को बोला गया है 96432 उसी तरीके से सर टीआईजीएचटी को बोला गया 73817 तो उसी तरीके से पूछा एफएलआईजीएचटी को क्या बोला जाएगा

कौन सा सर लॉजिक लगाया है तो आप बोलेंगे सर जो लॉजिक लगाया गया है यहाँ कौन सा लॉजिक है सर सर वो आप बोलेंगे प्रॉपर एक कोड दर्शा दिया है अल्फाबेट के साथ यानी कि सर एफ को दर्शाया किसके साथ एफ को दर्शाया सर नाइन के साथ बच्चा एफ को किसके साथ दर्शाया है नाइन के साथ, साथ दर्शाया है नाइन उसी तरीके से अगर बात करें तो आगे दे रखा है बच्चा एल एल को किसके साथ दर्शाया है एल को दर्शाया बच्चा सिक्स के साथ उसी तरीके से सर ए को किसके साथ डिफाइन किया है तो ए को जो डिफाइन किया गया है बच्चा वो के साथ किया है आई को जो डिफाइन किया है वो थ्री के साथ किया गया है आगे अगर बात करें तो बच्चा आर को जो डिफाइन किया है वो किसके साथ किया है टू के साथ उसी तरीके से अगले वाले शब्द में दे रखा था बच्चा टी को किया गया सेवन के साथ आई को किया गया थ्री के साथ जी की बात करें तो एट के साथ आगे अगर बात करें एच की तो एच को किया गया वन के साथ और टी की बात करें तो सेवन के साथ अरे बोलो हाँ या ना उम्मीद है ये बात बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी बहुत सारा लव यू मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए चलिए तो उस तरीके से भैया क्या करेंगे ये जो शब्द दे रखा था या ये जो हमें शब्द दे रखा था इसमें जो एल्फाबेट दे रखे थे इनके सर प्रॉपर यहां से हम कोड निकालेंगे और रख देंगे यहां तो आप बोलेंगे सर पूछा किसका था एफ एल आई जी एच टी ये बोला था हमसे तो एफ की बात करें तो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर नाइन से कर रहे हैं एल की बात करें तो बच्चा एल को किससे कर रहे हैं सर सिक्स से कर रहे हैं आई की बात करें तो बच्चा आई को थ्री से कर रहे हैं जी की बात करें तो सर एट से कर रहे हैं जी को एच की बात करें तो एच को वन से कर रहे हैं टी की बात करें तो सेवन सेन सेवन नाइन सिक्स थ्री एट वन सेवन यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर बच्चा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे बी फॉर बॉम्बे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चा इसका चलिए तो बच्चा बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिस प्रकार ये जो शब्दकोश है शब्दकोश को सर टेन बोला गया उसी तरीके से ये जो शब्दकोश रिंग, रिंग तो जाएगा मेरे भाई श्याम चौधरी राम राम भाई राम 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 चलिए तो भैया गौतम सर आइसक्रीम खा रहे हैं बरा हाँ बाहर अच्छा भाई जीतू चलो तो कोई दिक्कत नहीं बाहर खा रहे तो हाँ जी हाँ जी जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बता दें आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बताएं इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर आंसर क्या होगा बच्चा वेरी वेरी गुड गुड भाई मैम का आ चुका है एट एट मैम का आंसर आया भैया पॉसिबल कैसे है आप बोलेंगे सर यहां हमें बोला है डी आर ए डब्ल्यू डी आर ए डब्ल्यू बोला है बच्चा क्या बोला था आप बोलेंगे सर डी आर ए डब्ल्यू बोला डी आर ए डब्ल्यू को क्या बोला गया सर डी आर ए डब्ल्यू को बोला गया है क्या टेन उसी तरीके से भैया एन जी रिंग को बोला गया है बच्चा क्या ट्वेल्व तो पॉसिबल कैसे है सर पॉसिबल ऐसे है कि इनके सर पॉसिबल कैसे है पॉसिबल ऐसे है कि सर इनके जो स्थानीय मान है सबसे पहले उनको जोड़ के देख लो बच्चा स्थानीय मान को जोड़ के देख लो तो बच्चा ये चार इधर अगर बात करें अठारह एक और ये तेईस तो सर सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर बच्चा कितना आ जाएगा जोड़ने पर देखा जाए तो यह आ जाएगा छियालीस छियालीस आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चा छियालीस भाई तेईस ये हो जाएगा आपका कितना और चालीस के बाद ये हो गया इकतालीस इकतालीस और पांच छियालीस हो लिया अब ये आया हमारा छियालीस जोड़ने के बाद स्थानीय मान को जोड़ा तो छियालीस आया लेकिन छियालीस को बच्चा दस बोला गया तो छियालीस को दस बोलने का मतलब क्या है सर छियालीस को दस बोलने का मतलब ये है कि ये जो योगफल है योगफल को भी फिर से क्या कर दिया है जोड़ दिया गया है, है ना योगफल को भी फिर से जोड़ दिया गया है तो उसी तरीके से मेरे भाई यहां पर भी देखेंगे सेम लॉजिक लगाया जा रहा है 18 नौ चौदह सात अरे बोलो हाँ या ना तो सर जब सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 प्लस चौदह यानी कि चौदह इक्कीस हो लिया इक्कीस और 30 तीस, तीस और भैया ये कितना हो गया तीस और अट्ठारह अगर बात करें तो ये हो जाएगा कितना अड़तालीस तो दोनों को जोड़ा तो आठ और चार कितना हो गया बच्चा बारह तो उसी तरीके से पूछा गया था किसका पूछा था भाई रेस्ट का पूछा पूछा है यानी कि आर ई एस टी इसके लिए पूछा था तो आर की बात करें अठारह प्लस में पांच प्लस में उन्नीस प्लस में बीस है ना तो भैया बीस 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 यानी कि साठ हो गया साठ और बासठ तो बासठ ओलिया योगफल दोनों को जोड़ेंगे तो बासठ यानी छह और दो कितना हो जाएगा आठ ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर बच्चा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा उम्मीद है यह बात बेहतर तरीके से समझ आ चुकी होगी चलिए तो बच्चा बढ़ जाते हैं अगले प्यारे से क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर क्या होने वाला है बयालीस कोमा सड़सठ कोमा छियानबे कोमा एक सौ उन्तीस कोमा एक सौ छियासठ कोमा क्वेश्चन मार्क जल्दी से मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या होगा इस प्यारे से क्वेश्चन का इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है प्यारा सा क्वेश्चन है और खासकर याद रहे भाई साहब ये चार बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन चार बार पूछा गया है चार बार है ना और इस क्लास के अंदर जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये वो क्वेश्चन है भैया जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना अधिकतर जो पूछे जाते हैं एग्जामों में वो क्वेश्चन हैं तो जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर क्या होगा तो आप बोलेंगे सर यहां बयालीस से सड़सठ सड़सठ से छियानवे छियानवे से एक आप बोलेंगे सर अभी अभी आपने बताया था क्या सर आपने अभी अभी बताया था कि अगर कोई सीरीज धीरे 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 आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब सर एडिशनल सीरीज होगी जोड़ श्रृंखला होगी तो वही सर यहाँ लॉजिक लग रहा है बच्चा सर बयालीस बयालीस से हुआ सड़सठ सड़सठ सड़ 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 से हुआ छियानबे छियानवे से अगर बात करें तो कितना दे रखा है एक सौ उनतीस एक सौ उनतीस से हुआ सर एक सौ छियासठ एक सौ छियासठ के बाद दे रखा है क्वेश्चन मार्क तो करेंगे क्या बच्चा क्या करेंगे ध्यान से सुन लें और समझ लें सर करना क्या है दोनों के बीच का सर आप डिफरेंस देखें एक बार तो कितने का डिफरेंस है सर पच्चीस का इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस देखें तो कितने का है सर सर ये पच्चीस का है यहाँ कितने का है उन्तीस का डिफरेंस है आगे अगर बात करें तो उनतीस से भैया ये आगे कितने का डिफरेंस बन रहा है तो आगे बोलेंगे सर आगे जो डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है तेतीस का जस्ट इससे जो आगे डिफरेंस बन रहा है वो कितने का बन रहा है बीचा तो आप बोलेंगे सर सैतीस का बन रहा है तो आपने क्या देखा कि जो डिफरेंस है वो चार 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 बढ़ता जा रहा है तो आगे भी बच्चा कितना बढ़ेगा चार बढ़ेगा तो सैंतीस जुड़ा है तो सैंतीस के बाद आगे कितना जुड़ेगा सर इकतालीस तो इकतालीस जब जोड़ेंगे तो और छत हो जाएगा छ और एक कितना हो जाएगा सात और भैया उसी तरीके से छह चार दस और दो यानी आंसर हो जाएगा टू जीरो सेवन ऑप्शन ए बिल बी राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका चलिए तो बच्चा बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जल्दी से मुझे बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बिल्कुल 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 अल्टरनेटिव बिल्कुल भैया आप सही कह रहे हैं आपकी बात को सुन लिया गया है समझ लिया गया है बिल्कुल सही बता रहे हैं चलिए तो जल्दी से मुझे बताएं इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा और मेरे प्यारे साथियों सभी से गुजारिश है सभी से, से गुजारिश है जिन्होंने अपने परिवार गौतम क्लासेज को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और मेरे भाई आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि जिससे कि मेरे भाई आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके साथ साथ इसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि भैया इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि जिन्होंने जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है आज के सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दें बच्चा जल्दी से राधे राधे यूवी शर्मा आ चुका है नलायक आ गया बड़े दिनों बाद आया है यूवी शर्मा वेरी गुड बच्चा बहुत अच्छे चलिए तो एक बार देख लेते हैं बी फॉर ब्रदर लव यू बहुत सारा मेरे भाई यूबी तेरे लिए बहुत सारा लव यू बहुत सारा प्यार चलिए तो एक बार देख लेते हैं भैया आपको क्या बोला एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए चित्रा ने कहा किसने कहा है बच्चा चित्रा ने कहा है चित्रा ने यानी कि एक महिला है जिनका नाम है चित्रा चित्रा ने क्या कहा सर चित्रा ने कहा कि वह मेरे पिता चित्रा के पिता कहां जाएंगे आप बोलेंगे सर चित्रा के पिता आगे ऊपर सर चित्रा के पिता की माँ भाई माँ कहाँ जाएंगी जस्ट ऊपर आ जाएंगी उनसे वाली फ्लोर पे आ जाएंगी भाई माँ है तो यानी फीमेल कैंडिडेट तो जेंडर भाई क्या हो जाएगा फीमेल तो माइनस के साथ डिफाइन करेंगे आगे क्या दे रखा है का पोता है पोता का मतलब बेटे का बेटा बेटे का कौन है बच्चा बेटा है अरे बोलो हाँ या ना तभी तो इसका क्या कहलाएगा सर पोता कहलाएगा आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर इसके साथ साथ तो जब ये बात आपके समझ आ गई तो आपने क्या देखा कि चित्रा का भी पिता है और सर इसका भी पिता है ये प्राणी चित्रा का भी पिता है और इसका भी पिता है यानी कि सर जब दोनों का एक ही पिता है तो दोनों कौन हो जाएंगे भाई और बहन हो जाएंगे तो भैया कहां से कहां जाना है देखो रिलेशन ट्री तो हर कोई बता लेगा बना लेगा भैया जो समस्या आती है वो आती है आंसर देने में आप जब आंसर दें तो आप ये सोचें कि, कि किसके नाम के पीछे से लगा है तो से लगा है चित्रा के नाम के पीछे तो चित्रा से कहां जाना है आदमी पर तो चित्रा से जब आदमी पर जाएंगे तो संबंध किसका आएगा सर भाई का आएगा यानी ब्रदर ब्रदर भाई ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चा बिफोर बॉम्बे बिफोर ब्रदर बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चा बिल्कुल भराता श्री बिल्कुल बिल्कुल चलिए तो बच्चा बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जल्दी से मुझे बताएं मेरे प्यारे शादी आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बताएं इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर सर जल्दी से मुझे बता दे छह मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के चार ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं पी एस के दाएं दूसरे स्थान पर है क्यू टी के बाएं बैठा है आगे दे रखा है पी आर और यू के बीच बैठा है एस आर के ठीक बाएं बैठा है तो पी और एस के बीच कौन बैठा है बच्चा जल्दी से मुझे बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अभी तक किसी का आंसर नहीं आया बड़ा समय लग रहा है भाई हैं। बड़े नलायक हो गए हो तुम तो मेहनत मेहनत नहीं कर रहे हो आजकल मेहनत मेहनत करना आपने छोड़ दिया है काहे बेसर बनते जा रहे हो बे जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या होगा इस प्यारे से क्वेश्चन का वेरी गुड भाई बहुत अच्छे बच्चा बहुत अच्छे जल्दी से मुझे बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर आंसर क्या होगा अरे बोलो रे जमीन बोलो आसमान आंसर क्या होगा इसका जल्दी से मुझे बता दो मेरे भगवान आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या क्या होगा क्या होगा आंसर जल्दी से बता दो आंसर पेन और पेंसिल हाथ में नहीं है काहे आया रे बेसरम बेहा जा आर युषावन मैम का आया आर आ, रास्ते में हूं अच्छा चल तो भाई समझ में आता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं यू भी शिवानी शर्मा का आ रहा है बच्चा पांडे का आ रहा है भूपेंद्र का आया है बी इसके साथ साथ मिथिलेश का ऑप्शन बी है मनीषा करदम का बी है मिथिलेश करदम सॉरी मनीषा करदम का भी बी आया राहुल राज का आया है भैया आर सुमित का आया आर रा, भावना खंडेलवाल का ऑप्शन बी सुमित कुमार का आंसर आया ऑप्शन बी और विनोद बघेल का आंसर आया ऑप्शन आर बता रहे हैं भैया हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जल्दी तेरी शादी वाह दो तीन बच्चे ब्याह में आए तुझको आगे पापा बोले मुझको आगे चाचा बोले <laughs> हाँ जी जल्दी से मुझे बताएं आंसर क्या होगा वेरी गुड बच्चा बहुत अच्छे भाई आपने आंसर बिल्कुल सही बताया देखो भैया है क्या ये है कोई सर्कल ये क्या है कोई सर्कल है सर्कल है नाइस क्लास अरे भैया काली घटा का घमंड घटा अरे वाह वाह भाई वाह चलिए तो हाँ जी देखो भैया सुनो और समझो ध्यान से हाँ जी ध्यान से सुने और समझे देखो भाई साहब कहने का मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट की अगर बात करें तो कितने दे रखे हैं सर छह कैंडिडेट दे रखे हैं छह बच्चा जब कैंडिडेट की संख्या इवन नंबर के रूप में दी जाती है सम संख्या के रूप में तो हमेशा याद रखिएगा भैया जो व्यक्ति हैं हमेशा आमने सामने बैठा करते हैं कहां बैठा करते हैं आमने सामने तो भैया दो ये आमने सामने हो गए वैसे ही इनको कहां बिठा देंगे बाकी के को यहां क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मेरे भाई इवन अगर इवन नंबर दिया जाता है तो याद रखना एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है क्या एक आपसे पूछ लेता है भैया एक आपसे मेरे भाई यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए भैया आपसे पूछ ले हाँ जी आपसे पूछ लेगा कि बताइए भैया क्या पूछ लेगा कि बताओ मेरे प्यारे साथियों अरे यमक अलंकार को छोड़ दो इधर सुन लो आपसे पूछ लेता है कि बताइए भैया आमने सामने कौन बैठा है आमने सामने कौन बैठा है आमने सामने पूछ लेता है ना तो इसकी वजह से मेरे भाई जब इवन नंबर में नंबर ऑफ कैंडिडेट दे रखे हो तो मेरे भाई उनकी स्थिति कुछ इस तरीके से रखनी है जिससे कि वो आमने सामने बैठ पाए है ना तो मैंने क्या किया इस तरीके से बिठा दिया अब जब जब ऐसे बिठा दिया तो तो सेंटर सेंटर की की ओर ओर फेस फेस है और, जब सेंटर की और फेस होगा तो सबसे पहले जो सिटिंग वाली लाइन के सेकेंड पर्सन को दूसरे व्यक्ति को आप कहा बिठाएंगे निचले स्थान पर क्यों बिठाएंगे निचले पर क्योंकि इजिली सर इससे दाया बाया आप देख सकते हो जिधर आपका दाया होगा उधर ही इसका दाया होगा जिधर आपका बाया होगा उधर इसका बाया होगा अरे बात क्लियर है क्या उम्मीद है यह बात बहुत बेहतर तरीके से आपके समझ आ चुकी होगी चलिए तो भैया तो आप क्या करेंगे सर एस 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 को बिठा दिया यहां अब एस के दाएं बैठा था दूसरे स्थान पर दाएं बोले तो सर हमारा दाएं किधर है इधर तो भैया राइट साइड बढ़ जाएंगे फर्स्ट सेकंड यानी यहां कौन आ गया आप बोल देंगे सर आर आ गया या पी आ गया पी दे रखा तो भैया पी आ गया कौन आ जाएगा बच्चा पी फॉर पैरट पी आ जाएगा आगे क्या दे रखा है भैया

तो भैया आप बोल सकते हैं यहां कौन फिक्स हो गया आर फिक्स हो गया आर आर फिक्स हो गया यहां पर तो यू कहां फिक्स हो जाएगा बच्चा यू फिक्स हो जाएगा ऊपर कहां हो जाएगा बच्चा यू यू आ जाएगा ऊपर अरे बोलो हाँ या ना आप बोलेंगे बिल्कुल तो अब आ जाएंगे भैया जो पॉसिबिलिटी वाली लाइन आप छोड़ दी थे वो उस पर तो आपको क्या बोला था क्यू टी के बाएं बैठा है जो क्यू है वो टी के बाएं बैठा है तो टी यहां हो गया तो टी का बाया बाया भाई बोले जिधर हमारा यानी ऊपर की तरफ कौन आ जाएगा क्यू आ जाएगा तो आपसे पूछा है पी और एस के मध्य कौन बैठा है तो पी और एस के मध्य कौन बैठा है आर आर फोर राइट आर बैठा हुआ है भैया ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चलिए तो भैया अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से मुझे बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर तो क्या होगा चलिए तो भैया कबीर हुसैन भैया कबीर हुसैन क्या कह रहे हैं आपकी कमेंट बहुत आ रही है क्या कह रहे हैं एक बार आपकी कमेंट देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं भैया आप कबीर हुसैन क्या कहना चाह रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी यम कलंक हाँ जी चलिए तो जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या होगा इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा ऑप्शन बी एक बार देख ले मेरे भाई क्या आंसर ऑप्शन बी होगा क्या बी होगा क्या बी होगा यू बी शर्मा ने आंसर बताया ऑप्शन बी क्या आंसर बी होगा बच्चा क्या आंसर बी होगा एक बार जल्दी से मुझे बता दो क्या आंसर बी होगा अरे जल्दी से बोलो जल्दी से बताओ आंसर क्या बी होगा क्या भी होगा जल्दी से बता दो हमारी माता जी का फोन आ रहा है सही क्या गलत क्या ये सब पढ़ाते हैं आप क्या झूठ क्या ये समझाते हैं आप जब आ, क्या कह रहे हैं सूझता नहीं कुछ तो राहों को सरल बनाते हैं आप वाह मेरे भाई वाह काली घटा का घमंड घटा उनका कुछ कहना है कि सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ाते हैं आप सच क्या है झूठ क्या है ये समझाते हैं आप जब सूझता नहीं है कोई जब सूझता नहीं है कुछ तो राहों को सरल बनाते हैं आप वेरी गुड भाई बहुत अच्छे मेरे भाई बहुत अच्छे बहुत सारा यू मेरे भाई काली घटा का घमंड घटा वेरी गुड भाई सर ए बी एस आने लग गए हैं सर ये बच्चे आ, सर ये बीच में क्या है अच्छा बीच में क्या है बताओ ना भाई क्या है बीच में आपने तो आंसर अभी बी दे दिया था ना अभी तो आंसर बी दे दिया था अभी सब बेरोश पड़े हैं भैया अभी सब बेहोश पड़े हैं अभी सभी क्या है बेहोश पड़े हैं भाई साहब बेहोश पड़े हैं ना अभी किसी को होश नहीं आ रहा सभी लगे हुए हैं ऑप्शन ए लगाने में बी लगाने में सी लगाने में डी लगाने में अभी तक किसी को होश आया ही नहीं है अभी सब चेक कर रहे हैं कि होगा क्या क्या गलत होगा क्या सही होगा जल्दी से मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों विनोद बघेल बता रहे हैं ऑप्शन डी बच्चा एक बार देख लो क्या डी होगा यूट्यूब से पैसा आ रहा है क्या जितेंद्र मेरे भाई जीतू बच्चा कोई भी पैसा एड्स आने लग गए हैं पैसा आना अच्छा ये कहना चाह रहा था सर एड्स आने लग गए हैं पैसा आना लग गया है क्या मेरे भाई अब यूट्यूब पैसा वैसा नहीं देगा है ना अब नहीं देता बच्चा YouTube पैसा एक टाइम था जब YouTube पैसा देता था ये सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई आपके लिए आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ना यहां से अपने को कोई पैसा नहीं कमाना आपसे मेरे भाई पैसा लेंगे तो फिर कहां जाएंगे हैं अपन पापी प्राणी थोड़ी है मेरे भाई ना अपन किसी पाप के भागीदार बनना चाहेंगे अपन पापी प्राणी नहीं है तो भाई हमें कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए इस चीज का अपन तो बस ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए आपके जो माँ बाप की आशाएं हैं वो आशाएं मेरे भाई कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मेरे भाई वो जो आशाएं वो देख रहे हैं आपसे जो जुड़ी हुई हैं वो मेरे भाई आपके लिए सकारात्मक रहे आपके माँ बाप के लिए सकारात्मक रहे वेरी गुड भाई दो बच्चों ने अब तक बताया है आ, और राहुल राज बता रहा है ऑप्शन सी एक बार राहुल बच्चा चेक कर ले ऑप्शन सी सही बता रहा है क्या एक बार जल्दी से बता सर कुछ ऑप्शन गड़बड़े हैं सर ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम है क्या अरे मेरे भाई मेरे भाई जल्दी से मुझे बताओ अब नो कमेंट केवल पढ़ाई सर जी वेरी गुड घमन घटा चलिए तो हाँ जी जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या होगा वेरी गुड नन अच्छा जी नन लग रहा है देखो भैया आप ध्यान से सुन लो एक्चुअल में भैया ध्यान से सुनो और समझो इसमें क्या है ध्यान से सुनो इसमें भैया एक छोटा सा एरर है ऑप्शन में है ना बस यही चीज देखना चाहते थे कि, कि ऐसे कितने ऐसे महान प्राणी हैं कितनी ऐसी महान शख्सियत हैं जो इस पर फोकस करेंगे या नहीं करेंगे अभी भी कुछ लोग आंसर बताते रहे हैं ए बी सी डी अरे भैया मेरे लाल मेरे पीरे मेरे हरे मेरे गुलाबी देखो इसमें गौर करो जो डी वाला दे रखा है डी में गौर करो कौमा कोमा कोमा यानी कि यहां से एक हमारा जो सिंबल है वो मिसिंग है जो हमारा एक सिंबल है वो मिसिंग है ना वैसे ही अगर बात करें तो यहां ये स्टार दे रखा है क्या दे रखा है स्टार तो ये भी मिसिंग है तभी ना आ रहा था अरे सुधर जाओ बे सुधर जाओ मैं जान के भाई साहब मैं जान के ऐसा किया जिससे कि ये पता चल पाए कि ऐसे कितने महान शख्सियत हैं ऐसे कितने महान प्राणी हैं जो वास्तव में पढ़ते हैं और ऐसे कितने महान शख्सियत हैं जो नहीं पढ़ते हैं ना तो भैया सुधर जाओ पढ़ने पे ध्यान दे लो सुधर रहे हो उम्मीद है मेरे भाई सुधर जाओगे सुधर रहे हो और सुधर भी जाओगे है ना बस बाकी का मेरे भाई इसमें ऑप्शन में एरर था इसमें बच्चा क्या था ऑप्शन में इसमें एरर है इसमें ऑप्शन में एरर है ना चलिए तो बच्चा इसी वजह से मैंने ये सॉल्व नहीं किया स्थिति में अब तक सॉल्व कर दिया जाता ऑटोमेटिकली चेक कर रहे थे अच्छा वो तो हम ऑटोमेटिकली चेक कर रहे थे अरे वाह आप तो भैया विद्वान है आप महान है सर हम तो सुधर गए हैं अच्छा सब सुधर गए हैं चलिए तो भैया उम्मीद है आप सभी लोग मेरे भाई इसी तरीके से अपना अपना जवाब देते रहेंगे बाकी आज की क्लास को अपन यहीं तक रखेंगे मिलेंगे आपसे अगली क्लास में आज के लिए इतना ही भैया आज अपनी बाड़ी को यहीं तक अपना ब्राम देंगे बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में आप सभी बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें और मेरे भाई एक चीज सुन लें सभी मेरे प्यारे साथी एक सीरीज है जो अभी अपन शुरू किए हैं कौन सी कौन सी सीरीज है सर जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को अपन लेके आ रहे हैं जिस सीरीज में अपन थंबनेल पे आप देख ही पा रहे होंगे क्या बोला है सर हमने थंबनेल पे सर थंबनेल में हमने बोला हुआ है कि सर क्वेश्चन वही जो कहां सर एग्जाम में जो छपने वाले हैं जो एग्जाम में छपने वाले हैं है ना सर चालीस क्वेश्चन कराया करो सर बिल्कुल भाई राहुल बिल्कुल मैं अगली क्लास से कोशिश करूंगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाए है ना नंबर क्वेश्चन बढ़ा दिए जाए अगली क्लास से कोशिश करूंगा कि मैं सर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दूंगा आपके लिए चलिए तो भैया बाकी अभय खुशबा बच्चा अभय तेरे लिए <coughs> अभय कुशबा का भाई एक डाउट है अभय कुशबा का एक डाउट है अभय कुशबा का, का एक डाउट है तो बच्चा सुन और समझ जरा एक बार डाउट बता क्या डाउट है तेरा पेपर लीक होने वाला है क्या मनीष उपाध्याय पक्का पेपर लीक होगा है ना बस इतना जितना पढ़ा रहे हैं आप इतना पढ़ते जाएं पक्का आपका मान सर पेपर लीक होगा है ना जल्दी से मुझे बताएं जल्दी से मुझे बताएं भाई अबे अबे बच्चा अरे बता दे रे मेरे भाई आंसर का होगा रे अबे आंसर का होगा का तेरा क्वेश्चन है एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं तेरी कमेंट का इंतजार है मुझे जल्दी से मुझे बता यही सही था गुरु हमारी जिंदगी में तुम ना सही पर हमारे अल्फाजों में तुम ही हो सर जी अरे वाह बहुत अच्छे तो बच्चा देखो अभे का आ गया है क्वेश्चन है एक अभेका, सभी कोशिश करेंगे और इसका सभी अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे सर क्वेश्चन है अभे का क्वेश्चन बता रहा है बत्तीस कोमा अरे एक सेकेंड भाई कमेंट मत करो जरा मुझे क्वेश्चन देख लेना तो बत्तीस कॉमा बत्तीस कोमा बत्तीस बत्तीस कोमा बत्तीस कोमा बत्तीस कोमा चौतीस आगे दे रखा है बच्चा क्या क्वेश्चन मार्क कॉमा एक सौ छह क्वेश्चन मार्क कोमा 106 आगे दे रखा है बच्चा क्या आगे दिया गया है भैया 530 530 ये क्वेश्चन है किसका अभय का ये क्वेश्चन है बच्चा ये अभय का क्वेश्चन है ना तो आप सभी लोग इसका आंसर अपने-अपने कमेंट बॉक्स में कर देंगे अपने-अपने कमेंट बॉक्स में कर देंगे बाकी अभय मेरे भाई आप सुन ले ये नंबर है मेरा कांटेक्ट नंबर है 71906288 थ्री सिक्स इस नंबर पे एक काम करना आप मैसेज छोड़ देना बाकी इसका सॉल्यूशन मैं आपके नंबर पे सेंड कर दूंगा है ना बच्चा चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बाकी आपसे मिलेंगे अगली क्लास में ठीक है मेरे प्यारे साथियों आप सभी से अनुरोध है मेरे भाई कि ये जो क्वेश्चन है इसका आप अपने अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे है ना क्वेश्चन बाकी मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों ये जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल भाई ऑप्शन भी है ऑप्शन ए बता रहा है थर्टी एट नाइनटी सिक्स एक सौ दो ए और चौतीस ये ऑप्शन बताए हैं इसने है ना सर पंडित जी का आंसर आया है अभे का छियानवे वाला होगा नाइनटी सिक्स बिल्कुल भाई नाइनटी सिक्स बिल्कुल भाई बिल्कुल चलिए तो भैया जब आंसर आ ही गया है तो बाकी के साथी भी अपना कोशिश करेंगे नाइनटी सिक्स नाइनटी सिक्स बता रहे हैं बच्चा ये सभी अपना आंसर है ना चलिए तो बाकी के साथी भी एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को और मेरे भाई सोल्यूशन आपका सेंड कर देंगे आपके नंबर पर बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में बाबा टाटा टेक केयर आपका दिन और रात शुभ और मंगलमय हो आप स्वस्थ रहें मस्त रहें आबाद रहें खुश रहें पढ़ते रहें मेहनत करते रहें जबरदस्त तरीके से बच्चा तो आज की क्लास यहीं तक आप पढ़ते रहेंगे माँ बाप की जो उम्मीद है उन पर आप खरा उतरेंगे बच्चा है ना माँ बाप की जो आशाएं हैं उनको आप कायम बनाए रखें और सर इसी तरीके से आगे मेहनत जैसे आप करते आ रहे हैं इसी तरीके से आगे भी मेहनत करते रहें बाय बाय बच्चा टेक केयर मेहनत करें बच्चा